खबर रायपुर से ही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर पलवल में चुनावी आम सभा को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली से दोपहर को पलवल के लिए वो रवाना होंगे और सभा लेने के बाद रात में वापस रायपुर लौटेंगे। और आपको बता दें कि गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आज नागपुर में है, वहां वो दो आम सभाओं को संबोधित करेंगे। विभिन्न राज्यों में चुनाव के कारण लगातार चुनावी दौरों का दौर चल रहा है और हेमंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत से जानते हैं, हेमंत जिस तरह हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, उनका आज हरियाणा राज्य के पलवल में दौरा है, वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो तकरीबन 1:50 पर रवाना होंगे और 2:30 बजे करीब वहां पलवल पहुंचेंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला उनकी आम सभा में? देखिए, 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होना है, तो इस लिहाज से कांग्रेस ने पूरी जोर लगा दी है और कांग्रेस के स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र और हरियाणा का दौरा उन्होंने किया था और आज फिर हरियाणा के पलवल में वो आम सभा को संबोधित करेंगे। लगभग 1:30 बजे के आसपास वो दिल्ली से रवाना होकर पलवल पहुंचेंगे और वहाँ 2:30 बजे पहुंचने के बाद 1 घंटे तक सभा उनकी होगी और कांग्रेस सरकार के कामों का वो जिक्र देंगे, किस तरीके से जो यूपीए की सरकार थी उन्होंने काम किया। और इसके अलावा हरियाणा में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो दोनों के का अंतर वहां पर बताया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम वहां पर हो रहा है, इसको लेकर भी वहां पर अपनी बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रखेंगे। हेमंत, ताम्रध्वज साहू जो की गृह मंत्री, वो भी इस नागपुर के दौरे पर जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ खास बात है? देखिए, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू थोड़ी देर बाद रवाना होंगे नागपुर के लिए और नागपुर के जो दो क्षेत्र हैं वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि 21 अक्टूबर को चुनाव है और ऐसे में 2 से 3 दिन बस बचे हैं और 20 तारीख को जो प्रचार है वो तरीके से खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में लगातार कांग्रेस की जोर है और कोशिश है कि इन इलाकों में जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए, प्रचार करें, जिससे एक कामयाबी कांग्रेस को मिल सके। चलिए अमंत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और